जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के गेट पर सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर धरने पर बैठे। यह धरना कुल्लू अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर किया गया। वहीं इस दौरान विधायक ने सरकार पर कुल्लू की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। वहीं सरकार को चेताया है, जब तक कुल्लू अस्पताल के लिए डॉक्टर नहीं भेजे गए तब तक जनता के साथ अस्पताल के गेट पर हड़ताल जारी रहेगी। विधायक ने कहा, कुल्लू अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है। सरकार यहां से डॉक्टरों के तबादले कर रही है, लेकिन यहां की जनता की सरकार को कोई फिक्र नहीं है। जनता के हित में सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा। कुछ नहीं किया, वो अलग एक मुद्दा था। और लेकिन हमने क्या काम किया, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कोरोना का। अब आप जानते हैं, मैं विधानसभा में शीतकालीन सत्र, अभी बजट सत्र में कुल्लू अस्पताल पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक मैंने जो है मांगा शीतकालीन सत्र में, फिर उससे पहले भी हमने मांगा था। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है चर्चा के लिए सामने नहीं आई कि कुल्लू में अस्पताल के क्या हालत है। आज हद तब होगी, एक महीना पहले जिस दिन मुख्यमंत्री कुल्लू आए, कुल्लू का दौरा था और वो कुल्लू में कोई कार्यक्रम उनका था एक दिन का, और उसी दिन सरकारी ऑर्डर आते हैं कि कुल्लू अस्पताल से 8 डॉक्टर यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, यहाँ से हटा दिए गए। उसके बाद मुझे पता चला कि 9 डॉक्टर जो है मेटर में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट।